आज बच्चों मैं स्पोर्ट्स कॉलेज जो कि कुर्सी रोड पर गुरु गोविंद सिंह कॉलेज के नाम से मशहूर है, मैं वहां गया और मैंने जानकारी प्राप्त की कि स्पोर्ट्स कॉलेज में किस तरीके से एडमिशन होता है। देखिए कितना खूबसूरत परिसर है, दोनों तरफ कितने अच्छे वृक्ष, ये फुटबॉल का ग्राउंड है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और बहुत सी पुरानी यादों को सजोते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। स्पोर्ट्स कॉलेज ने बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी दिए हैं, इसके अलावा अन्य खेलों में भी बहुत से खिलाड़ी यहाँ से निकले जिन्होंने पूरे भारत में एक अलग पहचान बनाई। सुरेश रैना और आरपी सिंह तो इन्होंने इस कॉलेज की उस ऊंचाइयों तक पहुँचाया जो आज तक अपने में मिसिंग था। मैं लगातार आप लोगों से जुड़ रहा हूँ और कुछ नई चीज़ें आप लोगों को दिखाता चल रहा हूँ। इसी कड़ी में ये स्पोर्ट्स कॉलेज का जो आज का वीडियो आपके सामने है, प्लीज़ इसको देखिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह एक नई ताजगी के साथ आपका अपना पीयूष पांड्या जुड़ता हुआ। और आज मेरे पास बहुत दिनों से एक ही क्वेश्चन लगातार आ रहा था कि स्पोर्ट्स कॉलेज में कैसे एडमिशन होता है। उसी प्रोसेस को जानने के लिए मैं आज स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचा और देखिए कितना बढ़िया, चारों तरफ आप देखिए बच्चे यहाँ कितने अच्छे लग रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस होती है और ये एटमॉस्फेयर पूरे लखनऊ में ये एटमॉस्फेयर मिसिंग है। मैं आपको संकल्प जी से मिलवाता हूँ जो यहाँ के क्रिकेट कोच हैं। संकल्प जी आइए, मैं आपके बारे में बताऊँ, बहुत बढ़िया ऑफ ब्रेक बॉलर थे, उतने ही अच्छे बैट्समैन थे। इन्होंने BPED किया, MPED किया, NIS किया और उसके बाद इन्होंने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 2 कैंप्स भी किए हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है अंडर 14 और अंडर 19 के कैंप्स भी किए। बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। मेरी पहली इनसे मुलाकात KD सिंह बाबू स्टेडियम में हुई थी और ये इतने अच्छे खिलाड़ी थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा था इनके साथ जुड़ के। और आज ये स्पोर्ट्स कॉलेज में कोच हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सर। तो संकल्प, आज का हम लोग का विषय यही है कि ये जो बच्चे हैं इनका एडमिशन का प्रोसेस क्या है। सर, इनका एडमिशन का प्रोसीजर ये है कि स्पोर्ट्स कॉलेज अब क्लास 6 से हो गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले क्लास 9 से था जी, जी। तो दिसंबर में इसका फॉर्म आता है जी, तो अब अंडर 12 सिलेक्शन होता है हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज में। तीन स्पोर्ट्स कॉलेज तीन जगह पे है। कहाँ कहाँ पे? एक तो लखनऊ के गोरखपुर स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई और स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ। बट क्रिकेट गेम 2 जगह है, सिर्फ स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई में है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई प्लस लखनऊ में 2 जगह लखनऊ। अब जैसा कि ट्रायल का प्रोसीजर आपको मैं बता दूँ सर कि दिसंबर के एंड तक या जनवरी फर्स्ट वीक में फॉर्म आ जाता है। तो ये फॉर्म कहाँ, स्पोर्ट्स कॉलेज से लेना पड़ेगा या हर ये स्पोर्ट्स कॉलेज का फॉर्म आपको 18 मंडल है, हर मंडल पे जो भी खेल विभाग का स्टेडियम है। ओके ओके। जैसे आप लखनऊ में KD सिंह है, बनारस में आपका स्टेडियम है, हर जिले के स्टेडियम में आपका फॉर्म अवेलेबल होता है, वहाँ पे आप इजिली कलेक्ट कर सकते हैं फॉर्म को। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो लड़का जिस मंडल का है उसी अपने मंडल पे ही ट्रायल देगा, तो आपके 18 मंडल की डेट डिसाइड हो जाती है किस दिन किस मंडल पे ट्रायल है। हम पूरे 18 मंडल पे जब ट्रायल होते हैं तो वहाँ पे उसके चयनित आधार बच्चों के फिर मेरिट बनती है, उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन होता है हमारा वो स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में एक ट्रायल होता है, उस ट्रायल मेरिट के हिसाब से फिर बच्चों को स्पोर्ट्स कॉलेज अलाट होते हैं। जो मेरिट में ऊपर होते हैं उनको स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, जो मेरिट में नीचे होते हैं उनको स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई। अच्छा, देखिए एक बात और मैं जानना चाहता हूँ कि कितने बच्चे हर साल हम लोग सेलेक्ट करते हैं कॉलेज में? 15 से 20 बच्चों का एक कोटा होता है क्रिकेट का, क्योंकि इसमें और भी बहुत से गेम हैं। कितने गेम और हैं यहाँ पर? इसमें आपको वॉलीबॉल है, एथलेटिक्स है, हॉकी है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, क्रिकेट है। इसी तरीके से देखिए और भी गेम के बच्चे यहाँ आते हैं, वो जुड़ते हैं। उसी के साथ हमारा क्रिकेट का भी एक, चूँकि यहाँ पर ये स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन होता है बच्चों का, क्या एज होती है 6 क्लास में, कोई एज का भी मापदंड? जी, एज का क्राइटेरिया बनाया है गवर्नमेंट ने। आपको 1 अप्रैल, जो 1 अप्रैल होता है सेशन 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो वो 9 साल से न कम न 12 साल से ज़्यादा, मतलब अंडर 12 बच्चों का सिलेक्शन होता है स्पोर्ट्स कॉलेज में। और फिजिकल से 5 कंपोनेंट्स हैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि सिलेक्शन किस बेस पे होता है सर जी। जैसे आपके पास 5 फिजिकल हैं, जैसे आपके पास सबसे पहले 100 मीटर होता है बच्चों का जब बच्चा ट्रायल देने आता है, उसके बाद ब्रॉड जंप होता है, बॉल थ्रो होता है,
शटल रन होता है और 800 मीटर ये इनका फिजिकल है जो 50 नंबर के होते हैं जिनमें पांचों कंपोनेंटों को इनका देख लिया जाता है बच्चों में किस एबिलिटी का बच्चा है उस हिसाब से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं ट्रायल पे कि बच्चे के अंदर स्पीड कैसी है एजिलिटी कैसी है अपर बॉडी में स्ट्रेंथ कैसा है लोअर पार्ट में कैसा स्ट्रेंथ है ये सब चीज़ें बहुत चीज़ें उसमें दिख जाती हैं ये रॉ मटेरियल कि बच्चे में कितनी एजिलिटी है कितनी इंडोरेंस है इस सब एक मानक बना हुआ है जिसके आधार पर हम लोग फिजिकल ट्रायल उसके बाद स्किल ट्रायल बच्चों को लेके फिर सेलेक्ट करते हैं। देखिए स्पोर्ट्स कॉलेज एक अपनी पहचान रहा है शुरू से, मुझे लगता है कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ पर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर जैसे आपको पता ही है रैना भाई आरपी भाई ये तो मान लीजिए मुख है ही उसके अलावा भी मैं 2012 से हूँ जी 2012 से जॉब कर रहा हूँ मेरे साथ दीपक सर भी रहे हुए हैं जी और कृष्णन सर भी रहे हैं जो उन्होंने अभी नहीं रहे हम लोग कृष्णन सर को मैं एक विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ मैं उनको मिस करता हूँ बहुत अच्छी पर्सनालिटी थे और जितने नम्र थे उतने ही वो विनम्र थे तो अभी हम लोगों के बीच से शायद 4-5 दिन हुआ नहीं रहे तो मैं उनको याद करते हुए एक विनम्र श्रद्धांजलि उनको भी देता हूँ। वो स्पोर्ट्स कॉलेज में कोच रहे और काफ़ी वर्ष तक रहे बहुत सालों तक सकते वो हाँ। और काफ़ी अच्छा कोचिंग के साथ साथ हम सभी को एक अच्छा इंसान बनने में उन्होंने बहुत योगदान दिया है। कोचिंग तो बाद में आती थी कि एक अच्छा इंसान कैसे बनना है इस चीज़ के बारे में वो हमेशा ऑफ द ग्राउंड चाहे वो डिनर टेबल पर रहा हो चाहे कभी असेंबली टाइम रहा मगर एक अच्छी मार्गदर्शन वो हमेशा देते रहे खिलाड़ियों को कि तुम लोग पहले डिसिप्लिन सीखो क्रिकेट तो सीख ही जाओगे। देखिए हमें भी एक याद आ गया कृष्णन सर और मुझे याद है जब मैं इंडिया अंडर 19 का टूर करके आया था तो सर से मुलाकात हुई। सर पंजाब से आए थे और मेरा मीडियम पेस बॉलर था पंजाब का सर उसको कोचिंग दे के आए थे और वहाँ से उसने बताया था पीयूष लखनऊ का एक क्रिकेटर है और वहाँ से सर से मेरा परिचय हुआ था मुझे अभी भी याद है सर का। और स्पोर्ट्स कॉलेज में आपको क्या लगता है कि यहाँ पर लड़का आके कैसे 6 वर्ष यहाँ बिताता है? 7 साल लड़का क्लास 6 में आता है और 7 साल। और सबसे बड़ी बात मैं सर बताऊँ आपको आपके चैनल पर काफ़ी लोग क्वेरी भी करते होंगे स्पोर्ट्स कॉलेज के बारे में तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर स्पोर्ट्स कॉलेज उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो बहुत बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एकेडमियाँ प्राइवेट। अब आप सोचिए कि एक बच्चे पे हर मंथ पूरे साल मंथ में तो केवल 11,000 से 12,000 रुपये तो गवर्नमेंट खाने का व्यय कर रही है केवल खाने का। देखिए कितनी बड़ी बात सर बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जो बच्चे गाँव में या दूर दूर रहते हैं समझिए इस बात को, केवल खाने प्लस अब बच्चों का पर डे 375 रुपये की डाइट मिलती है प्लस रहना खाना खेलना सारे इक्विपमेंट पढ़ाई सब कुछ बिल्कुल फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो रूरल एरिया के लिए है ताकि स्पोर्ट्स कॉलेज पहले इसीलिए खोला ही गया था कि जो बच्चे जो एफर्ट ना कर पाएँ उनके लिए सब बेस्ट है क्योंकि अब आप पता है इस चीज़ इस महंगाई में कि हर बच्चा 10,000 का बैट 8,000 का बैट 300 रुपये की बॉल नहीं अफोर्ड कर पा रहा है। प्राइवेट अकेडमी में इतनी फीस है वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है बट वंस टाइम एक बार 7,000 रुपये जमा करना साल का और पूरे साल खेलना खाना पढ़ना पूरी तरीके से फ्री है। गवर्नमेंट एक बच्चे का कम से कम 3 से 4 लाख रुपए करती है। देखिए हमारे संकल्प ने बताया कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं। क्या ये जो क्लास 6 में आता है तो ये 12th पास करके ही निकलता है या जैसे कभी बच्चे पहले था कि अगर वो खराब परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसको आप बाहर करते हैं? हाँ सर पहले नियम ये था, इस बार से भी शायद ये नियम लागू हो जाएगा कि जैसे जो क्लास 6 में लड़का है उसको क्लास टेंथ तक नेशनल या कोई बोर्ड ट्रॉफी कुछ खेलेगा, अगर यदि नहीं खेलता है तो मूल्यांकन में या उसके परफॉर्मेंस के आधार पर उसको निकाला जा सकता है। बट मोस्ट प्रॉब्ली बच्चे सब कुछ ना कुछ क्लास 10 तक आते आते कोई स्कूल नेशनल कोई कैंप ये सब खेल लेते हैं, इस वजह से बच्चे पूरे 7 साल अपने गुजारते हैं यहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज में। संकल्प बड़ा अच्छा लगा तुमसे जुड़कर, और कोई मैसेज हमारे बच्चों को यूट्यूब के थ्रू माध्यम से? सबसे पहले तो मैं बस आपको थैंक्स बोलूँगा सर कि जो आप इनिशिएटिव लिए हैं ना ये सर एक बहुत ही सराहनीय उन बच्चों के लिए। सर आजकल सोशल मीडिया का नेटवर्क आधी चीज़ें बच्चे जो नहीं आज भी कहीं सस्ती जगह भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे ना आपकी बातों से आपके चैनल के माध्यम से वो स्वयं कुछ सीखना चालू कर दिए। बट मैं फिर इसी चैनल से एक बात कहूँगा सर, स्वयं सीखने प्लस किसी के गाइडलाइन में सीखना बहुत फ़र्क होता है। यस। और दूसरी चीज़ बस मैं आपके चैनल से ये कहना चाहूँगा माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी खिलाड़ी हो जो भी यंगस्टर हैं बहुत शॉर्ट टर्म रास्ता अपना रहे हैं इससे थोड़ा सा दूर हटें और पेशेंस रखें चीज़ों को, रिजल्ट आपको मिलेगा। आप केवल मेहनत करिए अपने स्किल्स पे फोकस करिए और अपने
गुरु या जो भी जिनके साथ आप अटैच, उनसे जरूर हर दिन एक्टिविटी के बाद आप उनसे जो भी आपके वीक पॉइंट है उनसे आप डिस्कस करिए। डिस्कस बहुत ज़रूरी है। डिस्कस करेंगे आप तो कुछ ना कुछ आपको हमेशा कुछ ना कुछ क्लियर होता रहेगा आपकी फॉल्ट, तो आप उस चीज़ में आगे जा सकते हैं। कितनी अच्छी बात संकल्प हमसे कर रहे हैं लगातार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनसे जुड़कर और यहाँ आकर। थैंक यू संकल्प, आप हमसे जुड़े। थैंक यू सर। स्पोर्ट्स कॉलेज के बच्चों से मिलकर एक अजीब सी खुशी प्राप्त हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पुराने दिनों में पहुंच गया, उन बच्चों से जो अपने घरों से दूर रहकर यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, और मैं और संकल्प लगातार इस कड़ी में इनसे जुड़ते रहे। मैं आपको बताता चलूं, स्पोर्ट्स कॉलेज में बच्चों का अब क्लास 6 से एडमिशन होता है और 12 तक रहते हैं। इन 7 वर्षों में एक परिपक्व खिलाड़ी के रूप में वो सामने आते हैं, और जैसे जैसे बच्चे यहाँ पर रहकर डिसिप्लिन में रहकर अपनी डाइट पर ध्यान देते हैं तो इनका गेम अपने आप इम्प्रूव होता चला जाता है। बहुत से बच्चों को मैंने टिप्स दिए, उनसे बहुत से व्यक्तिगत रूप से जुड़ने की कोशिश की, और अपनी पुरानी यादों के झरोकों से उनको उन तक कुछ बातें पहुंचाई। मुझे ऐसा लगा जैसे पुराने दिन फिर से याद आ गए। इसी ग्राउंड पर कितने मैचेस खेले हैं मैंने, कितने रन बनाए थे, उन सबको याद करते हुए और इन बच्चों से जुड़ते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगा। खड़े होकर नहीं खेलना, क्रीज पे नहीं खेलना, कहीं से एडजस्ट करके ऐसे मारें, पूरा आप पूरा फ्रेंड निकालिए, आगे खेलिए या बैक फुट पे। आप बॉलर को देख रहे हैं और तुम बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, देखिए करके बताओ, डिस्कस करो क्वेश्चन। सर क्या बोले, ये यही बात हम बता रहे हैं ना, आप जब इससे उठाएंगे तो आप यहाँ से ला ही रहे, आप फंस ही रहे यहाँ पे, आपकी खुदी है ना, ये चीज आप यहाँ पे रखिए। जब आप इस चीज फिर वो इस वाला हाथ से नहीं, ये वाला हाथ नहीं, उतारो ग्लव्स उतारो, करिए घंटों करिए, ऐसे शीशे के सामने खड़े हो जाइए, ड्रिलिंग करिए, शेडो प्रैक्टिस करिए, जितना आप करिएगा, ये जितना आप प्रैक्टिस करिए, आपका हाथ ऊपर वाला थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक कर लो। ये सर बैक हैंड पूरा ओग्रिप पकड़ लेता है, ऐसे ऐसे जैसे ऐसे कॉक करने के लिए बोलता है सर। मैम आप ये कर सकते हैं, शीशे के सामने करिए, घंटों खड़े हो जाइए, आधा आधा घंटा स्कीपिंग करिए, जितना स्कीपिंग करेंगे फुटबॉल का आपका